यार मुबारक हो भाई इंडिया वालों, क्या कमाल का गेम आज एक और हो गया, 5 out of 5 विंस। मतलब विराट कोहली लेकिन सवेरा 95 हो 100 हो, 48 बने 49th बने। ठीक है मैं समझता हूँ कि इट वॉजंट मेंट टू हैपन टुडे बट इट विल हैपन वेरी सून, बट लाइक ये ख्याल अच्छा लेकिन गोट विराट कोहली द चेस मास्टर हैज एब्सोल्युटली सील्ड कि जो लोग इधर उधर के कागजी घंटे के किंगों के उठाते वो विराट कोहली के थोड़े से उठा ले तो क्रिकेट सीख जाओगे। आखिरी लम्हे की जो फुटेज है जडेजा के चौके के बाद जो कैमरे ने मंदर दिखाया है कि रोहित शर्मा ने यानी कि सिक्स मैन शर्मा कह दिया मैंने आज से नाम उनका ही सिक्स मैन है। भारत जो है वो इस वर्ल्ड कप की रेस में सबसे आगे है क्योंकि जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो लाजवाब क्रिकेट खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। मैं ना विराट कोहली की एग्जांपल देना चाहता हूँ। 100 अगेंस्ट पाकिस्तान 2015 वर्ल्ड कप में एडिलेड में, तो मैं इंडिया में था, आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द चैनल। रोहित और कंपनी ना ये कैजुअल नहीं खेलेगी, मुझे पूरा यकीन है कैजुअल नहीं खेलेगी, बहुत तगड़ा आएंगे ये। अगर ये कोशिश करेंगे बिल्डअप करने की, अगर बिल्डअप कामयाब हो गया ये टाइम ढूंढेंगे, अपना जोन ढूंढेंगे, फिर उसके बाद पैंटी शुरू, जब पैंटी लगना शुरू हुई ना तो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है। उसके रन देखें, उसकी हंड्रेड देखें, सेकंड हाईएस्ट हंड्रेड है उसे वर्ल्ड में। तो इंडिया से वर्ल्ड कप किसी को भी छीनने वो नहीं देंगे, इंडिया ही जीतेगा। जिस तरह से विराट कोहली फॉर्म में आया है, ठीक है, रोहित शर्मा आया और सेंचुरी पे सेंचुरी बनाते जा रहे हैं। सचिन जो मेरा दोस्त था उसने मुझे कहा कि ये अभी से नहीं इसको आदत, ये इसको क्लब क्रिकेट से जब ये मेरे पास खेलता था ये तब से जो है इसको नॉट आउट आना, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी अगर बैटिंग कर रहे हैं, 100 से पहले अगर स्कोर पूरे हो गए हैं, सो ही ये उसने वहाँ से अडैप्ट की, वहाँ से सीखा। बैटिंग की बात की है तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना तो मैं पूरा दिन देखती रहूं और इतना लाइक इतनी मैं अंदर से कह लें कि एक्साइटमेंट है। एक तो वो कंडीशंस को जानते हैं, दूसरा उनके पास कॉम्पिटेंट बॉलर्स हैं और जो बैटर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, वो रैंकिंग्स पे नहीं जाते, जैसे बाबर आजम नंबर वन रैंक प्लेयर है पिछले 3 साल से। सही है। अच्छा उसके बाद आप ये देखो कि विराट कोहली हो गया, ये रोहित शर्मा हो गया, ये दूसरे हो गए, या महेंद्र सिंह धोनी जब खेला, ओ भाई ये सचिन मचिन प्रेविड राहुल गंगोली लक्ष्मण सहवाग ये इन लोगों के साथ खेले। जब इन लोगों के साथ खेले उनके कितने रन थे, 1 के 15,000 तो 1 के 10,000 तो 1 के पता नहीं कितनी विकटे, 1 के कितने रन तो 1 के क्या, ये सब उनके बीच में आए। सचिन तेंदुलकर बेवकूफ बंदा नहीं है जिसने बोला था कि मेरा रिकॉर्ड रोहित शर्मा तोड़ेगा या विराट कोहली तोड़ेगा, उसको पता चल गया था कि इनमें कैपेबल है। अब ये जो नए प्लेयर अच्छा कितनी सेंचुरियां हो गई गफार भाई इसकी, मेरे ख्याल से तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब आ गया। ठीक है अब ये जो है ये जो अब नए लड़के हैं ये किन के साथ खेल रहे हैं, 1 के 10-12,000 1 के 15,000 14,000 कुछ है। अब जिन दो प्लेयरों के जिन बैट्समैनों के तकरीबन 25,000-26,000 दो प्लेयरों के हो तो उनके साथ जूनियर खेल रहे हो वो तो डेढ़ दोनों दो महीने में सब चीजें सीख जाएंगे। मैं तो सिंपल एक बात कर रहा हूं डेढ़ दो महीने के अंदर वो पैर टेढ़ा जा रहा है वो भी सीख लेंगे, हेड कहाँ गिर रहा है वो भी सीख लेंगे, पिच पे कैसे खेलना है, ड्राइव कैसे मारना है वो भी सीख लेंगे, पिच पे कैसे इनिंग्स कैसे बनानी है, तेज बॉलर को कैसे खेलना है, बैक फुट पे कब रहना है, फ्रंट फुट पे कब जाना है, इनिंग्स कैसे बनानी है। 26,000 रन दो लड़कों ने किए हुए तो कैसे नहीं सीखेंगे। इसी तरह ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सचिन वचिन लोगों से सीखा। ठीक है मैं फिर बार बार बोलूंगा आता पर शुरू हो जाएगी। और जो जो आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, आखिरी होगा वनडे का इनका वर्ल्ड कप, हां फ्योली मतलब उन आखिरी वर्ल्ड कप में ये परफॉर्मेंस नहीं, मैं नहीं समझता ये विराट का नहीं समझता मैं नहीं, हो सकता रोहित को नहीं, विराट 34 है 34-35 अगर विराट कोहली ने 38 एज में वर्ल्ड कप खेलना है ना 50 ओवर का तो फिर उसको वो तो खेलना पड़ेगा, टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी खेले छोड़ दे 2 साल और खेले टेस्ट क्रिकेट और अगले जो 2 साल है ना 36 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेले 2 साल, अगला वर्ल्ड कप 2027 में है यार, 4 साल निकाल देगा। फिटनेस तो इसकी ऐसी है कि आज भी फील्डिंग में मैंने देखा मतलब क्या 20 साल का लड़का होगा यार, ऐसी टाइम है उसकी 38 तक आराम से खेल सकता है। लेकिन एक बात मैं वो गारंटी अभी से कर सकता हूँ भाई जी, आपके बैट्समैनों को कम से कम इस मैच में कम 30 से 40 बाउंसर होने हैं,
अब ये आपने कैसे इसको डिफेंड करना है ये आप खुद देख लो, क्योंकि आपके बैट्समैन है सारे एग्रेसिव, ये चलाते हैं वो मुकाबला हम जीत जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली ड्यू भी आएगी, फिर थोड़ी दिक्कत भी होगी, फिर लेफ्ट हैंड स्पिन रचिन रविंद्रा थोड़े से वो थोड़े इरेटिक रहते हैं, वो इतने डिसिप्लिन नहीं है, सैंटनर डिसिप्लिन है, पर उतने रन्स बनाए नहीं जितने रन्स बनने चाहिए थे। ईमानदारी आ जाए, नीयत साफ हो जाए, मेरिट पे सिलेक्शंस हों, पूरी कौम एक साथ खड़ी हो, तो उसके रिजल्ट ऐसे ही निकलते हैं, और ऐसे ही आपको जो है दुनिया के हर मैदान में वो आपको पिछाड़ेंगे चाहे। लेकिन प्रेशर गेम में वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ऐसे अगर हम देखें इमामुल हक वो भी अपना 50 करके चला जाता है, विराट कोहली है वो अपना 50 नहीं करेगा, वो अपना 100 वो टीम को विन करके ही जाएगा। जैसे रोहित शर्मा है उनके वो जो पॉजिटिव इंटेंट नजर आता है, हमारे यहाँ आप सबसे मेन चीज ये है कि हमने 2023 में जितनी ओडीआई क्रिकेट खेली है पहले पावर प्ले में हमने अभी तक एक छक्का नहीं लगाया कलेक्टिवली पूरी टीम ने, और इंडिया के सिर्फ रोहित शर्मा ने 33 सिक्सेस लगाए हैं। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि जो इंटेंट है, जो इंटेंट की सारी दुनिया बात करती है कि ये 90s की क्रिकेट नहीं है, यहाँ पे हम 1995 में वसीम अकरम और इमरान खान नहीं खेल रहे, ये 2023 की क्रिकेट, और यहाँ पे आपको अपनी जो अप्रोच है वो बदलनी पड़ेगी। सारा का सारा जो मैच है मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें ली हैं जनाब, मुझे लगता है मैं कह रही हूँ जिस खिलाड़ी को जो खिलाड़ी पीछे थे ना, जैसे विराट कोहली बहुत आगे थे, ठीक है रोहित शर्मा बहुत आगे थे, और जो इंडिया के बाकी प्लेयर हैं वो भी अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। इसलिए भाई 400 भी होता तो उन्होंने कर जाना था, और वो इंडिया है आपकी तरह नहीं कि बाबर आउट होया पीछे सारे छांग पूरा और ये वो जो गटर से प्लेयर मिलते हैं वो वाले प्लेयर पूरा पाकिस्तान तो 1992 से वेट कर रहा है कि पाकिस्तान कभी इंडिया को हराएगा, तो पाकिस्तान की तो आदत है वेट करना। उन्होंने अपने जो भी 18 के 18 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो उन्होंने अपने पूरी कंट्री में से उन्होंने सबसे बेस्ट सेलेक्ट किए हैं, उनके अगर 5 अनफिट भी हो जाते हैं ना तो पीछे से 10 उनके तैयार हैं। और हमारे शहीन ने विकेटें ली थी 5, कितना स्कोर किया 350 लगा था, मैच भी नहीं जीत सके, वही विकेटें 5 मोहम्मद शामी लेता है 270 पे, वो रोक के आराम से चेस कर जाते हैं। 5 विकेटें डिपेंड नहीं करती, वो 5 विकेटें लेकर आप टीम के लिए टीम को जितवाए ये मैटर करता है। मैं 300 स्कोर खा के मैं 5 विकेटें ले लूँ तो लाख दी लाना थे मेरे पे यार। फिर यार हमारी तरह थोड़ी है वो कि 11 प्लेयर के ऊपर फोकस किया, पिछले प्लेयर के ऊपर फोकस नहीं किया, जो मर्जे छुले चौके ले जाओ। देखिए आज जब रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुना तो लग रहा था शायद भारत के लिए मुश्किल होगा अगर 260-270 स्कोर न्यूजीलैंड बना देता है तो, क्योंकि आप सबको पता होगा इसी ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका 243 नहीं बना पाया था 43 ओवर में, वो फिर नीदरलैंड के सामने, और आज कल मैच में साउथ अफ्रीका 400 स्कोर कर दिया, तो लग रहा था शायद सेकंड बैटिंग में भारत के लिए मुश्किल आ जाए जिस हिसाब से न्यूजीलैंड के पास बॉलर थे। और ट्रेंट बोल्ट ने भी तो मैच शुरू होने से पहले ये कह दिया था ये ग्राउंड मतलब हमारे लिए फेवरेट है और इसी ग्राउंड में हम भारत को मात दे सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड का कंडीशन जो है वो न्यूजीलैंड टीम को सूट करता है। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो जो ओस था वो न्यूजीलैंड की मजा को खराब कर दिया और भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इस रन को चेज करने में, और अब लग रहा है कि शायद भारत के लिए 2 और मुश्किल मैच बचा है और उसमें शायद भारत को अगर कोई टीम चाहे तो चुनौती दे सकता है, वो है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। इंग्लैंड तो लगभग सेमीफाइनल से बाहर है, लेकिन वो जैसे आपको पता होगा मतलब कभी कभी आपके पास कभी गोल नहीं होता है तो आप ज़्यादा फ्री में खेल सकते हो, क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड के पास तो अभी चांस ही नहीं है, और साउथ अफ्रीका जिस हिसाब से फॉर्म में है तो ये दोनों मैच में भारत को थोड़ा बचकर रहना होगा, या फिर अगर हार भी जाता है तो वो गलती को आगे नहीं दोहराना होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा, नमस्कार, जय हिंद।